Good morning class. This is our new Anna Physio class in which today we will study about the metabolism of bilirubin. Actually bile अपन ने liver और gallbladder दोनों के अंदर पढ़ा है. इसका metabolism हम पढ़ लेते हैं जो कि physiology के तहत आता है आपके. हमें पता होना चाहिए bilirubin का metabolism. तो देखिए bilirubin के metabolism के disturbance से एक disease होती है जिसका नाम है jaundice, जिसमें आम भाषा में इसको पीलिया कहते हैं क्योंकि इसमें येलो अपीयरेंस आ जाती है स्किन की भी, म्यूकस मेम्ब्रेन की भी और स्क्लेरा की भी, क्योंकि इन सब जगहों पर बिलिरुबिन डिपॉजिट हो जाता है. ये सबसे मोस्ट स्पेसिफिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है हिपैटिक डिसफंक्शन का. मतलब अगर किसी पर्सन का लिवर का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया, लीवर डिस्टर्ब हो गया, तो उसका साइन सिम्टम को आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कहते हैं. उसके साइन सिम्टम क्या दिखेंगे कि स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्क्लेरा जो है वो पीली पड़ जाएगी. जॉन्डिस अक्सर क्लिनिकली पाया जाता है जब प्लाज्मा बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन 2 या 3 mg/dL से ज़्यादा हो जाए, जब बिलिरुबिन क्लियरेंस लीवर से इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इम्पेयर्ड हो जाता है. कब हो जाता है, किसी को एक्यूट हिपेटाइटिस हुआ हो या बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ हो, तब ऐसा हो जाता है कि लीवर से इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट तक बिलिरुबिन का क्लियरेंस नहीं हो पाता. अल्कोहल के साथ भी ऐसा जुड़ा हुआ है तो ग्रे कलर का स्टूल उस केस में पास होता है. सॉल्युबिलिटी वाटर में बढ़ जाती है. सॉल्युबल कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो टी कलर का यूरिन दे रहा होता है. जॉन्डिस में ये स्लाइड वापस से रिपीट हो गई, छोड़िए. अब बिलिरुबिन की केमिस्ट्री देखिए. बिलिरुबिन एक येलो ऑरेंज पिगमेंट है जो कि RBC से डिराइव होता है, रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल में फॉर्मेशन के बाद में. बिलिरुबिन ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसपोर्टेड टू एंड बायो ट्रांसफॉर्म मेनली इन द लीवर. लीवर में ट्रांसफॉर्म्ड होगा और फिर यह बाइल में एक्सक्रीट आउट होता है और फिर फाइनली यूरिन में निकल जाता है. बिलिरुबिन लीनियर टेट्रापायरोल मॉलिक्यूल होता है जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है, पर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ये सॉल्युबल होता है. ट्रांसऑर्सिस दोनों फॉर्म में पाया जाता है. जब ये लाइट से एक्सपोज होता है तो बिलिरुबिन ट्रांस कॉन्फिग्रेशन सिस में कन्वर्ट हो जाता है और मोर वाटर सॉल्युबल बन जाता है. अब ये बिलिरुबिन का सिंथेसिस देखिए. हीमोग्लोबिन से जब हीमोग्लोबिन टूटेगा तो ग्लोबिन अलग हट जाएगा और अमाइनो एसिड के पूल में चला जाएगा और पीछे जो हीम बच जाएगा उसके रिंग ओपन हो जाती है हीम ऑक्सीजनेस सिस्टम के द्वारा. इसमें से आयरन लिबरेट हो जाएगा और रीयूटिलाइज हो जाएगा और हीम कन्वर्ट हो जाएगा बिलिवर्डिन के अंदर जो कि ग्रीन कलर का सबस्टांस है. बिलिवर्डिन रिडक्टेज के द्वारा, ऊपर तो ऑक्सीडेज एंजाइम आएगा और यहाँ रिडक्टेज एंजाइम आएगा. रिडक्टेज के द्वारा बिलिवर्डिन जो ग्रीन कलर का सबस्टांस है वो बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाएगा. एंजाइम का नाम है बिलिवर्डिन रिडक्टेज जो कि बिलिरुबिन एक रेड येलो कलर का सबस्टांस है बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाएगा. अब ये पूरी जनरेशन एक्सप्रेशन देखिए बिलिरुबिन का, अच्छे से डिटेल में देखते हैं. ये रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स है स्प्लीन बोन मैरो के साथ में. देखिए रेड सेल में रेड सेल जब टूटी तो हीमोग्लोबिन टूटा, बिलिवर्डिन बिलिरुबिन बना 85% केस में. 15 में अदर सोर्सेज भी इसके हो सकते हैं. सिस्टमिक सर्कुलेशन बिलिरुबिन जो है कैरिड आउट होएगा और एल्ब्यूमिन के साउथ में बाउंड हो जाएगा. अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन अभी तक था जो कि अब बाउंड हो गया एल्ब्यूमिन के साथ में. एल्ब्यूमिन के साथ में बाउंड मतलब एल्ब्यूमिन के साथ में बाउंड हो गया, इसी को अपन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कह रहे हैं. ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन अभी कहाँ है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में. यहाँ से ये चला जाएगा लीवर में. लीवर में ये जाकर के ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ में बाउंड होएगा बिलिरुबिन. इसको अपन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं. ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन यहाँ गॉल ब्लैडर में गया, बाइल डक्ट गॉल ब्लैडर में जाएगा, बाइल डक्ट से होता हुआ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ये जा रहा है देखिए, और वहाँ पर ग्लूकोरोनाइड ट्रांसफेरेज नाम के एंजाइम से ये बाउंड होता है. फिर वहाँ से ये गया गट में, बिलिरुबिन डाई ग्लूकोरोनाइड बना
फिर बीटा ग्लूकोरोनाइडेज एंजाइम द्वारा ये बिलिरुबिन में कन्वर्ट हुआ, देन बिलीवर्डिन में, देन स्टर्कोबिलिनोजन में और यूरोबिलिनोजन में। और स्टर्कोबिलिन जो है वो फीसेस में पास आउट हो जाएगा, और स्टर्कोबिलिन यूरोबिलिनोजन स्टर्कोबिलिनोजन वगैरह जो थे, यूरोबिलिनोजन थे, ये किडनी वगैरह में गए और वहाँ पर ये यूरेटर से यूरिन में पास आउट हो जाएंगे यूरोबिलिन के फॉर्म में। यह एंटीरो हिपैटिक सर्कुलेशन पूरा बताया गया है, ये चार्ट आपको याद करना है और अगर आता है तो ये आपको बनाना है। आपके जॉन्डिस नाम का भी अगर टॉपिक आ जाए तो आपको यही लिखना है, और बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म आ जाए तो ये मेटाबॉलिज्म ही पढ़ रहे हैं बच्चों अपन बिलिरुबिन का, तो ये आपको लिखना है। पैथोलॉजी में बिलिरुबिन नाम का टॉपिक आपके सेकेंड ईयर में आता है तो वहाँ पर भी ये टॉपिक याद रखिएगा आपकी क्या होता है और कैसे होता है। अब बिलिरुबिन का जनरेशन देखिए, बिलिरुबिन नॉन फंक्शन है हमारी बॉडी में, एक्सक्रीट आउट हो जाता है बाइल में आरबीसी के ब्रेकडाउन से। बूढ़ी आरबीसी जब मर जाती हैं, टूट जाती हैं, तो उसमें से हीमोग्लोबिन लिबरेट होता है, ये हीमोग्लोबिन में से ग्लोबिन चेन सेपरेट हो जाएगी हाइड्रोलाइज होकर के अमाइनो एसिड में चैनल्ड हो जाती है बॉडी अमाइनो एसिड पूल में। आयरन लिबरेट होता है हीम से और वो वापस रीयूटिलाइज हो जाता है, इसमें फेरस से फेरिक आयन बनेगा, ट्रांसफेरिन में अपटेक हो जाएगा। अब जो पोरफायरिन रिंग बन जाती है वो रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स लीवर स्प्लीन और बोन मैरो के उसमें जाकर के टूटेगी बाइल पिगमेंट में और मेनली बिलिरुबिन बनाएगी। 6 ग्राम की हीमोग्लोबिन के टूटने से पर डे में 250 mg का बिलिरुबिन बनता है। मायोग्लोबिन और दूसरे हीम कंटेनिंग प्रोटीन से 50 mg का बिलिरुबिन जो है वो बनता है, 35 mg का बिलिरुबिन जो है वो 1 ग्राम HB से बनेगा। टोटल 300 mg बिलिरुबिन जो है हर दिन हमारे अंदर बनता है, जिसमें से 80% ओल्ड आरबी से टूटने से, 10% इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस से और रेस्ट 10% जो है वो मायोग्लोबिन डिग्रेडेशन और हीम कंटेनिंग प्रोटीन के डिग्रेडेशन से बनता है। फिर ट्रांसपोर्ट टू लीवर, ये लीवर में ट्रांसपोर्ट होगा, लीवर इसमें सेंट्रल रोल प्ले करता है बिलिरुबिन के डिस्पोजल के लिए। बिलिरुबिन आरी सेल्स में जो बन रहा है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, लाइपोफिलिक बिलिरुबिन जो है फिर अच्छे से ट्रांसपोर्ट होएगा प्लाज्मा में और वो एल्ब्यूमिन के साथ में बाउंड हो जाएगा। एल्ब्यूमिन के 1 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल के बिलिरुबिन जो है वो बाउंड हो सकते हैं। स्वेमल प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट हो जाता है लगभग, ट्रांसपोर्ट करता है लगभग 25 mg के बिलिरुबिन को। अब एल्ब्यूमिन बिलिरुबिन से बाइंड हो गया तो क्या बना, एल्ब्यूमिन बिलिरुबिन कॉम्प्लेक्स बन गया। ये लीवर सिनुसॉइडल सरफेस पर पहुंच जाता है, वहां पर लीवर इसका अपटेक कर लेता है एक्टिव प्रोसेस के द्वारा। अब लीवर में इसका कॉन्जुगेशन होगा भाई ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम के द्वारा, बिलिरुबिन मोनोग्लूकोरोनाइड बनाएगा, फिर मोनो से डाइग्लूकोरोनाइड बनेगा। तो ये बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड बनने का मतलब है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बन गया। सेल के अंदर बिलिरुबिन कॉन्जुगेट होता है ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ में, जो कि इसको वाटर सॉल्युबल बना देता है। फर्स्ट कार्बन ग्लूकोरोनिक एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ में बाइंड हो रहा है, बस ठीक है, इतनी केमिस्ट्री आप नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। ये ग्लूकोरोनाइड बन गया। अब बिलिरुबिन का बाइल के रूप में एक्सक्रीशन होगा, वाटर सॉल्युबल कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन अब बाइल में एक्सक्रीट होगा एक्टिव प्रोसेस के द्वारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में। पढ़ाया ना मैंने ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हमेशा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलता है। ये हीम कैटाबॉलिज्म का रेट लिमिटिंग स्टेप है। ये लाइन समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, उड़ा देना लाइन को। अब कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जब इंटेस्टाइन में बाइल के साथ में पहुंचेगा तो इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया जो है उसको डी कॉन्जुगेट कर देगा। डी कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन से फ्री बिलिरुबिन बनेगा और बीटा ग्लूकोरोनाइडेज अलग हो जाएगा। ये फ्री बिलिरुबिन जो है वो 36 हाइड्रोजन एटम के साथ में फिर रिड्यूस होकर के कलरलेस टेट्रापायरोल यूरोबिलिनोजन बनाता है। फिर ठीक है, फर्दर चेंजेस वेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि स्टर्कोबिलिनोजन बन रहा है, सीधा लिख देना स्टर्कोबिलिनोजन बना, और ये स्टर्कोबिलिनोजन फीसेस में पास होता है। तो ये स्टर्कोबिलिन ही है जो स्टूल को अलग कलर देता है, स्टूल जो जिस कलर का दिख रहा है वो स्टर्कोबिलिन की वजह से दिखता है, ये याद करिए। 250 से 300 mg पर डे इसका एक्सक्रीशन स्टूल में होता है। अब एंटीरोहिपेटिक सर्कुलेशन 20% जो यूरोबिलिनोजन है वो रीअब्जॉर्ब इंटेस्टाइन में हो जाता है और वापस लीवर में पोर्टल ब्लड के द्वारा पहुंच जाता है। यूरोबिलिनोजन UBG अगेन रीएक्सक्रीट होता है एंटीरोहिपेटिक सर्कुलेशन में, क्योंकि यूरोबिलिनोजन जो है वो ब्लड के द्वारा पास होता है स्मॉल फ्रैक्शन में और यूरिन में एक्सक्रीट आउट होता है 4 mg पर डे से भी कम। फाइनल एक्सक्रीशन UBG और स्टर्कोबिलिनोजन का कलरलेस कंपाउंड के रूप में हो रहा है, पर ये ऑक्सीडाइज होकर के वापस कलर प्रोडक्ट बना लेते हैं यूरोबिलिन और स्टर्कोबिलिन।
एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन से ये कलर बना लेते हैं। यूरोबिलिन और स्टर्कोबिलिन दोनों के दोनों यूरिन में और फीसिस में, यूरोबिलिन तो यूरिन में और स्टर्कोबिलिन फीसिस में पाया जाता है, जो कि नॉर्मल कलर फीसिस को देता है, इसी कंपाउंड की वजह से आता है। नॉर्मल प्लाज्मा बिलीरुबिन लेवल 0.2 से 1 mg पर डीएल होता है, जबकि कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन 0 से 0.2 mg पर डीएल होता है। और अगर इस बिलीरुबिन का लेवल 1 mg से बढ़ जाए तो उस कंडीशन को अपन हाइपर बिलीरुबिनीमिया कहते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया था अपने पहले की क्लासेस में। और अगर इसका अमाउंट 2 mg पर डीएल से ज़्यादा हो जाए तो इस पैथोलॉजिकल कंडीशन को अपन जॉन्डिस कहते हैं। बस इसके साथ में ये बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू।